हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि टोपोलॉजी हमने अभी कम्प्लीट किया, लगभग हमारा जो है उसमें 41 क्लास होने वाला है, कम से कम 5-6 क्लास और ऐड होने वाला है। तो सबसे बड़ा अभी तक जो हमारा क्लास की जो जर्नी थी एमएससी में, ये लंबा सफर रहा हमारा। तो आप सभी को उसको ध्यान से पढ़ना होगा, अच्छे से करना होगा। और उसके पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अभी तक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल सब्जेक्ट में से एक है, लेकिन आपको इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए बेसिक आपको समझ आना चाहिए और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के संबंधित जो तर्क होते हैं वो पता होना चाहिए। अगर ये सारे बातें आपको समझ आता है तो बहुत अच्छे से आप जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, या फिर ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कैसे शुरुआत हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो है आपका 18th सेंचुरी में सबसे पहले यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उनका पहले ध्यान गया। फिर जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे तो आपका जो है ये आपका कौशी भाई साहब है ना, उसको पूरा नाम जो है ए एल क्या है, कौशी, ए एल कौशी, अगस्टन लुइस कौशी, पूरा नाम क्या है, अगस्टन लुइस कौशी। इन्होंने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की स्टडी किया। अच्छा, इसी के अंदर आए फिर जो है आपके वेस्ट्रास हैं, उन्होंने इस पर काम किया है ना, गॉटफ्रेड लेबनिज ने काम किया। तो वो तो हिस्ट्री बाद में चालू होगी है ना। इसकी बात करें तो ऊपरी तौर पर सबसे पहला अगर शुरुआत कहीं से हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, तो ये एक यूलर नाम के मैथमेटिशियन, जिसको आप अच्छे से जानते हो, अभी तक बहुत सारे उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया है यूलर के लिए। तो यूलर क्या कहते हैं, यूलर जब एक इक्वेशंस की स्टडी कर रहे थे बहुत सारे, तो उसमें एक खास प्रकार की जो है बिहेवियर देखा कुछ इक्वेशन में। आप जानते हो बच्चों, अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, यू नो दैट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग समीकरण हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही बात है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशन होती है, दो। इसके दो आंसर आएगा बेटा, दो आंसर निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें अस्पष्ट है तो एक्स बराबर में क्या करेंगे, ये आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये बात सिंपल है, अगर आपको तोड़ना आता है, ये काम करना आता है, तो सिंपल एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू जीरो, इस समीकरण के हल बोलेंगे। दो हल कैसे निकलेगा, ये फिर थोड़ा अलग कर देते हैं इसको, हम क्या करते हैं इसको माइनस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स, इसकी कितने इक्वेशन कितने रूट होंगी, तो आंसर ही होगा। एक आंसर क्या होगा बेटा, एक्स का वैल्यू आएगा आपका टू और एक्स का वैल्यू आएगा थ्री, है ना। बड़े क्लास में आने पर दिख जाता है फटाक से, क्या दिख रहा है भैया, ये दिख रहा है एक्स माइनस में थ्री इंटू एक्स माइनस में टू के रूप में लिखा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों संख्या को गुणा करने से प्लस सिक्स बनेगा और इन दोनों का टू एक्स, फिर एक बार क्या है माइनस में टू एक्स, फाइव एक्स बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। सिंपल दिख रहा है, एक्स की कितनी वैल्यू आई बेटा, एक्स की वैल्यू आई वो आई है, एक्स की वैल्यू आई है थ्री एंड टू, टू एंड थ्री जो भी बोले। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशन होंगी, तो ये गारंटी इस बात की, और सारे वैल्यू क्या होंगे, रियल वैल्यू। ओके बेटा, इस इक्वेशंस की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू। जब तक कॉम्प्लेक्स की जिक्र नहीं हुई थी उस समय हमारे बातें क्या थी, सारे सारे रियल था, हर कोई जानता था इस बात को। हम तब तक हम अवगत थे किससे, रियल वैल्यूज, रियल फंक्शंस, रियल की स्टडी कर रहे थे। लेकिन पहला जो ध्यान आकर्षित हुआ 18th सेंचुरी में, किनका हुआ, पहला काम जो है यूलर ने किया था, और यूलर के सम्मान में ही आयोटा कहा गया बाद में नंबरों को, है ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आई तो। तो देखिएगा, मैंने कहा कि जो भी आपका इक्वेशन हो, वो इक्वेशन अगर इस रूप में है, तो हमेशा अभी तक जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं जानते थे, हर प्रकार की नंबर की जो आपका इस प्रकार से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके दो सॉल्यूशन आया करती थी। तो यूलर का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ, देखा एक्स स्क्वायर और आपके पास क्या था, प्लस में वन, ये आपका अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बोलेंगे जी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस और नो, ये वर्ग समीकरण है बेटा, यस सर, इसका जो है ये वाला पार्ट क्या है, जीरो है, ए के जगह कितना है वन, और आपके सी के जगह कितना है वन, फर्क नहीं पड़ता, आप जो है
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है ना, जब इसको हम लोग इंट्रो में लेते हैं तो अक्सर हम यही काम करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, जहां आपको वर्ग दिख गया किसी का वेरिएबल का, वो रियल वेरिएबल है भूलिएगा नहीं, फिलहाल आप जान रहे तब तक सारे रियल चीज़ें, तो ये इक्वेशन के कितने आंसर होंगे बेटा, दो होंगे। लेकिन वो इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले यूलर भाई साहब के साथ एक वो हो गया, केस हो गया, कंडीशन एक पैदा हो गया इसके साथ, क्या आ गया, पहले उसने देखा कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या -1 कर दूं क्या, ऐसा सोचा उसने। तो बताइए ये देखते ही इसका दिमाग खटकना चालू हो गया, यहाँ पर जो है एक बात आ गई, क्या बात आ गई बताइए, बताइए दुनिया का किसी नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या निगेटिव बनेगा वो, नहीं, निगेटिव का भी स्क्वायर करने से क्या बनते हैं, पॉजिटिव। दुनिया का तमाम नंबर बेटा, मैं रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर की सेट को हम लोग क्या करते हैं, ये रियल नंबर के सेट को हम लोग माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक ओपन इंटरवल के तौर पर लिखते हैं। इसका अर्थ ये लाइन खींच दिया, यहाँ पर जीरो है, इधर पूरा निगेटिव होंगे और इधर पूरा पॉजिटिव होगा, ये आपका इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। आप कोई भी नंबर को ले लीजिए, चाहे करोड़ों में ले लो, अरबों खरबों में ले लो, कोई निगेटिव नंबर को भी लेते हो, -1 हो गया, -2 हो गया, -1 पॉइंट में ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, आप कुछ भी पॉइंट ले लो, सबकी स्क्वायर करने पर क्या आती है, पॉजिटिव आती है, राइट, सबकी स्क्वायर करने से क्या आएंगी, पॉजिटिव आएगी। दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता इस बात को, हर कोई जानता है। इरेशनल का भी स्क्वायर करने से रेशनल बनने की संभावना हो जाती है, रेशनल आ जाती है, समझ रहे हो बात को, है ना। जैसे कि ये √3 क्या है, इरेशनल है, स्क्वायर करने से क्या आ जाती है बेटा, 3 बन जाती है, लेकिन बना तो क्या बना, पॉजिटिव। अगर मैंने इसको -√3 लिया होता तो भी क्या बनता, ये 3 ही बनता, क्यों बनता, क्योंकि स्क्वायर करने से निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2 टाइम वो मल्टीप्लाई होगा, समझ आया बात, मल्टीप्लाई जब हो गया तो बात क्या हो जाएगी भैया, निगेटिव का पॉजिटिव बनना तय है। तो दुनिया का हर एक नंबर अगर वो रियल नंबर है उसका स्क्वायर करो तो क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आया, यूलर के साथ क्या हो गया, यूलर ने देखा कि एक्स का स्क्वायर क्या आ रहा है, -1, क्या है बेटा, एक्स का स्क्वायर क्या आया, -1, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालना चाहेगा तो क्या करेगा, x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस में √-1 आएगा, हाँ कि ना। अब ये नया नंबर है, एक लफड़ा पैदा करने वाले हमारे गणित के सिद्धांतों पर, हमारे गणित के नंबर सिस्टम पर, वो क्या था, एक ऐसा नंबर जो कि रियल नहीं है। कैसे पता चला रियल नहीं है, क्योंकि रियल का तो स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है। जरूरी नहीं आपने ऐसा किया होता, हम तो सिद्धांत को समझाने के लिए ऐसे करते हैं ताकि बच्चों को समझ आए करके, ऐसा भी बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस में क्या a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, माइनस a, निगेटिव आ रहा है, तो भैया कॉम्प्लेक्स की बात चालू हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं था हमारे पहचान में जो कि क्या हो बेटा, जिसका स्क्वायर करने से क्या हो, निगेटिव बन रहा हो, तो यहाँ पर निगेटिव बन रहा है, देखो समझ आया। तो अब बाकी इक्वेशन पर भी विचार किया, चालू किया, सारे इक्वेशन पे क्या करना चालू किया, हम लोगों ने विचार करना चालू किया। तो यहां से पहला विचार पैदा हुआ, और इसको जो है ना, ये 18th सेंचुरी में जब इनका जो है ध्यान गया तो इसको एक नया नंबर के नाम से जाना गया, इस नंबर को कहा गया इमेजिनरी, जो रियल नहीं है, जो क्या नहीं है, रियल नहीं है, वो काल्पनिक नंबर है। उस काल्पनिक नंबर का नाम क्या है, रूट में प्लस माइनस में क्या है, 1, -1, समझ आया। तो कई बार लोग क्या कर लेते हैं, इसको ओनली बोल देते हैं माइनस, ओनली आयोटा बोलते हैं, आयोटा नहीं आया, क्या है बेटा, दो आंसर आते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने आंसर, दो, तो एक तो प्लस आयोटा, एक तो क्या आया, माइनस आयोटा, दोनों वही है ना, क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो, देखिए बेटा इसका अगर स्क्वायर कर दूं, किसका स्क्वायर, मैंने कहा है एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू बोला है मैंने क्या, एक्स की वैल्यू अगर ये प्लस माइनस आयोटा आया है, हम जानते हैं किसी समीकरण को संतुष्ट करने वाला चीज को हम बोलते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, तो ये रूट ऑफ इक्वेशन में इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, फिर चाहे मैं माइनस में रखूं, चाहे मैं क्या करूं, प्लस में रखूं। अगर आपने क्या किया होता, प्लस में अगर आपने रखा होता इस वैल्यू को प्लस में, तो प्लस में रख के देखिए, यहाँ पर एक्स का वैल्यू प्लस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √-1, प्लस में रखा है आप लोगों ने, एक्स जगह स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में क्या, 1, आगे बढ़ाऊंगा इस बात को, अगर मैं इसको स्क्वायर को अंदर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट को खत्म करेगा पहले जाके, और क्या बच जाएगा बेटा, रूट को खत्म करेगा। कोई बोलता है तो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, क्या बात है, अरे -1 की पावर क्या थी, 1/2 थी, उसकी पावर क्या कर रहे हो, 2 कर रहे हो, तो खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमेशा छोटी स्तर की बातें नहीं करनी है, -1 की पावर अगर 2 होगी तो रूट जो है कैंसिल होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और 2 तो मतलब 2 ही था, तो क्या आ जाएगा बेटा, -1, और -1 +1 क्या हो जाएगा, मिलके क्या हो जाएगा, 0।
तो ये संतुष्ट किया कि नहीं? अगर मैं इसको निगेटिव में रखा होता, माइनस में रखा होता, माइनस वन की पावर में टू, प्लस में वन। सबसे पहले अब जानते हो दुनिया का कोई भी नंबर का पावर लिखा हो इसका अर्थ ये होता है उसकी जो भी हर हिस्सा होगा उसकी पावर टू है। क्या बेटा यहाँ पर इंटू माइनस वन मान के चलो? बोलेंगे यस सर। आप जानते हो ए इंटू बी की पावर टू है, इसका मतलब ए की पावर भी टू है और बी की पावर भी क्या है? टू है। तो माइनस वन तो ऑलरेडी सामने है, तो माइनस वन की पावर टू करने से क्या बन जाएगा? वो प्लस। सही बात है बेटा। और रूट माइनस वन की पावर करने से क्या बन जाएगा? वो माइनस वन बन जाएगा। और यहाँ सामने में माइनस वन चिपका हुआ था, उसका क्या हो गया? प्लस वन हो गया। बात समझ आया? और प्लस में क्या कर दिया हम लोगों ने? वन। तो मिलकर क्या बन गया बेटा? जीरो। मतलब ये दो आंसर आते हैं किसको हल करने पर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने पर। और हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि दुनिया का किसी भी प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए आंसर कितना आएगा? दो। तो क्या आया? प्लस माइनस में क्या आया है आंसर? वन। ठीक है, तो प्लस माइनस में जो आंसर वन आया बेटा, इसी प्लस माइनस वन को बाद में क्या कहा गया? इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया, क्योंकि रियल तो है नहीं। तो इसको हम लोगों ने क्या कहा? इमेजिनरी नंबर। तो x की वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिखा? x बराबर में प्लस माइनस में क्या लिखा? आयोटा। प्लस माइनस में क्या बोला? आयोटा, है ना। यूलर के नाम के कारण से उसी का अक्षर को उठा के आयोटा हम लोगों ने कहा बेटा, उसी के लिए, है ना। कुछ लोग जो है यूलर को यूलर नहीं बोलकर ये आपका यूलर टाइप का शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम के उत्पत्ति से ही उसको हम लोग आयोटा बोलना चालू कर दिए, है ना। तो उसी के कारण से हम लोगों ने, हालांकि अर्थ अब अलग तरीके से ले जाता है वो अलग मामला है, है ना। अब बहुत सारे जो है कुछ प्रकार के जो हमारे पास वो रहते हैं, क्या कहा जाए उसको, कुछ खास प्रकार की वैल्यूज, जैसे कि आप जो है बहुत प्रकार के पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एंगल बताने के लिए थीटा, बीटा, लैम्डा, है ना, कापा, कभी आप जो है चीजों को डेंसिटी बताने के लिए रो, ऐसा प्रयोग करते हो ना। अब एक नाम बन गया उसका, आयोटा बराबर कितना आएगा? ओनली आयोटा बराबर बोल दूं तो क्या आएगा? माइनस में वन। ये आयोटा की वैल्यू है, समझ आया। तो आयोटा बोलने से वही प्लस माइनस के बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग, सिंपल सी बात है। लेकिन प्लस भी होता है और आंसर क्या होता है? माइनस भी होता है शुरुआत में जब आया, तो इसी को हम लोग क्या बोले? आयोटा। और जो भी नंबर दुनिया का किसी प्रकार से इससे मिलके बनेगा वो नंबर क्या कहलाएगा? समिश्र। समिश्र मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स कैसे, जटिल कैसे? जटिल चीजें तभी हो जाती है जब उसमें क्या होती है? रियल आ जाता है कुछ पार्ट और कुछ पार्ट इमेजिनरी। अधिकल्पित भाग चालू हो जाएगा, तो अधिकल्पित भाग चालू होगा तो आप क्या करेंगे बेटा? उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? जटिल चरों का अध्ययन, या फिर बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का अध्ययन। जटिल चर कैसे होंगे? जब चर जो है जटिल हो जाए। जटिल तब होती है जब उसकी एक पार्ट तो समझ आता है, वास्तविक होता है, लेकिन दूसरा क्या होता है? अधिकल्पित होता है, इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी का जो हमारा जो है अध्ययन बच्चों भौतिक शास्त्र में, है ना, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए भी काम आता है बहुत जगह पे, बहुत जगह पे सरफेस टेंशन को समझने के लिए काम आता है, बहुत जगहों पे आप हार्मोनिक इक्वेशन सुना होगा आप लोगों ने, हार्मोनिक फंक्शन सुना होगा आप लोगों ने, हार्मोनिक फंक्शन सुना ना आप लोगों ने, है ना, हार्मोनिक फंक्शन आप लोगों ने जरूर सुना होगा बेटा, आवर्ती फलनों करके, आवर्ती फलनों के अध्ययन के लिए काम आता है। ये बात समझ आ रहा है? बहुत जगह आप लोगों ने गणित में एक और सिद्धांत के बारे में जरूर सुना होगा, उसका नाम है क्या? डी मायवर थ्योरम। डी मायवर थ्योरम का प्रयोग में आता है, इमेजिनरी नंबर की बात आती है। बात समझ आया? तो बहुत जगह पे भौतिक में, यहाँ तक केमिस्ट्री के बहुत सारे सिद्धांतों को कवर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की कल्पना चालू हो जाता है, और ये बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट देकर चले जाते हैं आपको, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जो है जेड कहते हो, है ना, कई बार वेरिएबल के तौर पर बोले तो ठीक है, जेड इज इक्वल टू जनरली क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स प्लस में, अगर वेरिएबल के तौर पर बोलूँ तो, है ना, और नंबर बोलूंगा तो भाई हर वेरिएबल क्या है? वेरी करने वाले नंबर को नंबर ही बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वेरी करने वाला नंबर ही तो है एक प्रकार का। लेकिन जब तक हम ऐसे लिखेंगे, फिक्स लिखना तो ऐसा बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी बराबर क्या दिखेगा? छोटू सी है, वो दिखेगा ए प्लस में आयोटा बी के तौर पर। इसको बोलते हैं रियल पार्ट बेटा, और इसको बोलते हैं क्या? इमेजिनरी पार्ट। और हम अगर हम वेरिएबल के तौर पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जेड। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कौन है? जेड, है ना। तो कई बार नंबर ही बोलेंगे तो घबराइएगा नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं लेते नंबर ना लिखकर हम क्या करते हैं लोग, वेरिएबल ही बोलेंगे वेरी करने वाला चीजें। तो ये क्या दिखेगा बेटा? x प्लस में आयोटा y। x क्या है? रियल वेरिएबल। y क्या है? रियल वेरिएबल। तो x और y सारे क्या है? रियल वेरिएबल है, लेकिन आयोटा आ गया तो क्या बन गया? इमेजिनरी पार्ट तैयार हो गया, और ये क्या कहलाएगा? रियल पार्ट। अब ये सम्मिश्र कैसे हुआ? मिश्र हो गया। कैसे मिश्र हुआ? रियल का भी कुछ हिस्सा आया और इमेजिनरी का भी कुछ हिस्सा आया, इस प्रकार से सम्मिश्र की बात हो जाती है।
और इसमें रियल को भी कंटेन कर लेता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा नंबर का जो कलेक्शन हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसी का सबसेट होता है कौन, रियल नंबर। रियल नंबर छोटा होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर को अंदर में इंक्लूड करके चलता है। इसलिए टू को कोई बोलेगा टू बिलोंग्स टू, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देगा तो समझ आइएगा यस सर है। कैसे है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है, बोलेंगे यस सर। कैसे है, टू प्लस में जीरो इंटू आयोटा इस रूप में है। बातें समझ आया, पक्का कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ आ रहा है ना? ठीक, तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने जरूर सुना था, और लिखना है तो बहुत सारा लिख सकते हो। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के तौर पर लिखा और उसमें आप लोगों ने क्या कर दिया, टू प्लस में ये थ्री आयोटा या फिर आयोटा थ्री ऐसा बोल दिया। ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन है बेटा। समझ आ रहा है बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज को लेकर, है ना? ये सिंपल सिंपल बातें हैं, ये सभी जो है बातों से आपको अवगत होना पड़ेगा। अब आता बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन। हम जब भी बात करेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना कि लाइन। अगेन आई रिपीट, क्या बोला मैंने, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, प्लेन पे। क्यों प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके दो प्रकार के वेरिएबल होती है ना, एक वेरिएबल जो है एक्स होगा और एक वेरिएबल वाई होगा। एक्स जो है ओनली रियल पार्ट की ओर वेरी करेगा और वाई जो है इमेजिनरी। तो दो अक्ष की बात होगी बेटा, यहाँ पर आपका क्या होगा आयोटा वाई एक्सिस, और नीचे में क्या होगा आपका क्या, ये एक्स एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल अक्ष है ये आपका, वास्तविक क्या है आपका अक्ष है, और दूसरा वाला क्या है आपका अधिकल्पित अक्ष है। ये बात क्लियर है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे दिख रहा होगा जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्चुअल में जेड जो आपने बोला ये जेड, जेड क्या होगा हमेशा एक्स प्लस में आयोटा वाई के तौर पर देखा जाएगा जेड को। ये बातें समझ आई, यही क्या है बेटा आपका जेड है। ये बात कहां से और थोड़ा समझ रहे हैं तो बोलेंगे, कई बार जो है कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेट के तौर पर भी लिख रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में ऐसा लिखा जाएगा एक्स और कॉमा वाई, एक्स वाला रियल पार्ट का है और वाई वाला क्या है इमेजिनरी पार्ट का है। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, समझ आ रहा है बेटा, हाँ कि ना? तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है, ये वाली दूरी मैं छोटा छोटा डॉट डॉट लिखता हूँ, सॉरी ये वाई अक्ष की दूरी होगी और ये वाला क्या होगी एक कहाँ की दूरी होगी एक्स अक्ष। ये क्या है बेटा एक्स अक्ष की दूरी और ये क्या है आपकी वाई अक्ष की दूरी। ये बात क्लियर है कि नहीं? अब यहीं से कॉम्प्लेक्स प्लेन बताने के बाद हम क्यों ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन बता रहे हैं, ये पूरा प्लेन को बेटा बड़ा सा सी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसको हम लोग आरंगा समतल कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गन प्लेन। तो आप याद रखिएगा, सिंपल सी बातें हैं, आपको जो है और इसी के अंदर बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करते हुए चलना है। हमारे पास जो है जो जगह है उसमें मैं चीजों को लिखता चला जाऊंगा, समझना है आप लोगों को। चलिए, आप लोगों ने जब प्लेन की बात किया होगा तो प्लेन में क्या दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन आपने बचपन में किया है छोटी कक्षाओं में। बेटा यहां से यहां तक की दूरी जो है इसको कहते हैं हम लोग क्या, मापांक, मॉडुलस। व्हाट इज मॉडुलस, मॉडुलस मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस। तुम लोग का ध्यान है ना, मॉडुलस मतलब क्या, एक्चुअल डिस्टेंस। एक्चुअल डिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग, आर। समझ आया? तो आर तो फिर वो कभी डिस्टेंस बेटा, कभी इमेजिनरी नहीं होते। आपने बोला कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है एक्स, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है बोला आप लोगों ने वाई, है ना? ये बात सिंपल है। तो दोनों दूरियों को मिला के आपने बता दिया एक्स प्लस में आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसा कहा आप लोगों ने। मैंने ये कहा कि ये तो आप मॉडुलस क्या, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक के बारे में सुना था, जरूर सुना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के मापांक में आप लोग क्या लिखते थे बेटा, मॉड जेड। जहां मॉड की बात होती है वो केवल और केवल वास्तविक चीजों को लेकर चलता है, ना कि आपके इमेजिनरी। मॉड मापांक, मापांक तभी संभव है यदि वो चीजें क्या हो, वास्तविक है। आप सभी इंटरेस्ट लेकर चीजों को समझिएगा, बहुत ही निचले स्तर की बातों को लेकर आपको जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये ग्यारहवीं बारहवीं में बातें होती है बेटा, हमारा जो लक्ष्य होगा मूल सिद्धांत को समझना। तो आप लोगों ने जरूर सुना था ऐसा, कॉम्प्लेक्स और का ओरिजिन समझ लिया, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया, हमने बोला रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम, भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे तो हमेशा एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना के लिखते हैं, इसलिए सम्मिश्र। और जहां पर ये क्या होगा, इमेजिनरी चीजों को बताएगा और ये वाला रियल पार्ट को बताएगा, सिंपल सी बात है। ये पूरा सम्मिश्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं था किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स प्लेन दिखता कैसा है,
तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोला मैंने, प्लेन बोलेगा मतलब दो प्रकार की एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। हम चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंगे ही लेंगे इस बात को, ठीक। मैंने कहा यहाँ पर कोई नंबर है बेटा, तो ये जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मापांक, समझ आया। और एक होता है बेटा मापांक के बाद कोणांक, कोणांक को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट का मतलब होता है ये नंबर कितना झुकाव से बना हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लाइनेशन। थीटा बोलेंगे बाद में बेटा, ये आर हो गई और थीटा। जब आर और थीटा की बात होगी तभी आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आर और थीटा होगा तभी तो आप जो है कॉम्प्लेक्स क्या बारे में बात करोगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन की उसकी पोलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। हम लोग इसको बदले हैं ना बेटा, मैं इसको पोलर फॉर्म से दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा पोलर फॉर्म कैसे लिया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पूरा उसी का स्टडी करने हम लोग को। बातें समझ आ रही है, वहां पर लिखा भी मैंने पोलर फॉर्म करके। मेरे को बस यही पहले एक बार क्लियर कर देना है, आपको समझा देना है, आप धीरे धीरे ध्यान से देखिएगा समझिएगा। मॉडुलस आर का मतलब होता है जेड की क्या क्षमता है, कितना दूरी है एक्चुअल डिस्टेंस। मॉड जेड है ना, इसी के अंदर मॉडुलस को डाल दीजिएगा, मॉड जेड इक्वल टू व्हाट, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा एक्चुअल डिस्टेंस आर। व्हाट इज आर, आर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब ये जीरो। अब ये जीरो है, ओरिजिन है, आप जानते हो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हो तो आप लोग क्या करते हो बेटा, आप लोग ऐसे करते हो, क्या करते हो, ये आपका एक्स हो गया, बोलेंगे जी सर एक्स माइनस में जीरो सबके होल स्क्वायर, सही बात है। प्लस में क्या करते हो आप लोग, दूसरा बिंदु अगर वाई है तो वाई माइनस में जीरो होल स्क्वायर, या फिर एक्स वन एक्स टू दो बिंदु होता था दोनों का करते हो ना, सबकी स्क्वायर करते हो बेटा, और इधर क्या करते हो आप लोग, वही सबकी रूट निकालते हो। दो बिंदुओं को बीच की दूरी का समीकरण, इसे डिस्टेंस इक्वेशन कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस इक्वेशन, ऐसे निकाला करते थे। आप वही निकालेंगे तो भी आएगा। और दूसरा तरीका मेरे पास और है, आप जो है पाइथागोरस का प्रयोग कीजिए। मेरे को ये चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, ओके। ये क्या है बेटा, अगर मैं इसको फॉर्म करूं, ये है थीटा, भूलिएगा नहीं, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, बात सही है। तो ये अगर इसका स्क्वायर करते हैं, हमने बाद में बता दिया इसको समझाने के लिए, व्हाट इज आर, मैं बोला कि आर स्क्वायर जानता हूं, आर के बारे में नहीं जानता मैं, आर स्क्वायर जानता हूं। कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, लंब का वर्ग। लंब का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये सामने वाला वाई का स्क्वायर है ना, और प्लस में आधार का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बोलेंगे आप लोग, वाई स्क्वायर, सही बात है। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, वाई स्क्वायर, ओके। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही है आपका एक्चुअल डिस्टेंस, मॉड जेड, मापांक बोलते हैं, मापांक मतलब कितना दूरी पर है। तो मॉड जेड ही क्या है आपका, आर है, और यही क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, आप लोगों ने मापांक छोटी कक्षा में सीखा होगा निकालने के लिए। तो बोला करते थे हम लोग पहले वाले पार्ट का वर्ग करो और दूसरे वाले पार्ट का भी वर्ग करो आयोटा को छोड़ के, समझ आया। तो ये क्या होता था, मापांक, समझ आया। अब मापांक के बाद क्या निकालते थे आप लोग, मॉडुलस के बाद क्या निकालते थे, मॉडुलस के बाद निकालते थे आप लोग आर्गुमेंट। क्या निकालते थे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को आप लोग क्या बोलते बेटा, कोणांक, सही बात है। तो कोणांक बराबर आप सीधा शुरुआत करते हो टेन थीटा से, टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, y अपॉन में क्या होगा, y अपॉन x होगा, क्यों होगा, टेन थीटा का सूत्र पता है बच्चों, है ना। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, आप बोलते हो लंब बटे आधार ही होता है, आप लोगों ने इसी को बेटा ढाल के नाम से पढ़ा था, इसी को आप लोगों ने स्लोप के नाम से पढ़ा था, इसी को आपने इंक्लाइनेशन के नाम से पढ़ा था, इसी को आप स्लोप, ढाल, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श जया बोला करते थे, बात समझ आ रहा है। तो ये जो है यहाँ से क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा सी है, दिस इंप्लाइज दैट आप थीटा इज इक्वल टू, जब निकालते हो, जब भी कोणांक की बात करेगा आर्गुमेंट, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स देखा होगा मेरे बच्चों, मेरे को पूरा यकीन है आप लोगों ने ये पढ़ा है सब चीज, सब जो है इलेवेंथ क्लास में जब कॉम्प्लेक्स क्लासेस पढ़ते थे तो यहाँ पर हुआ करता था। तो ये बहुत छोटी क्लास की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी क्लास की बातों को समझने के लिए छोटी क्लास की बातें तो आती रहेंगी भैया। जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की स्टडी किया जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की स्टडी में क्या ये बातें इंक्लूड नहीं होंगी, ये तो हर जगह आएगा, ये भूलेगा नहीं अपने आप को, कैसे भूलेगा, जहां शुरुआत हो उसको छोड़ देगा क्या, नहीं बेटा, हम उसके बड़े वर्जन की ओर जा रहे हैं। मैं और तुम लोग को फिर से आगाह करना चाहूंगा, मैं लिखित गारंटी देता हूं कि 35 से 32 या फिर ज्यादा हो सकता है 38 नंबर के प्रश्न आपके नेट के एग्जाम में और सेट के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की स्टडी से आता है। रियल से बेटा 40 से 46 से 45 नंबर के आसपास जो है
नंबर आता है किसका, केवल और केवल उसका, आपके रियल का, समझ आ रहा है। तो एमएससी में कॉम्प्लेक्स है पूरी तरीके से, ना कि बीएससी में, समझ आया। बीएससी में तो है ही थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आपका एमएससी का अगर आपको जो है आगे देना है नेट का एग्जाम, तो एमएससी का कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट को बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, कॉम्प्लेक्स पेपर को। और छोटे सपना मत देखो, बहुत ज्यादा टेंशन आएगा, पूरा जीवन भर आपको पछतावा होगा कि हमने क्या किया हम अपने साथ में करके। सारे लोग जो है बहुत तेजी से भाग रहे हैं इस दुनिया में, है ना, आप बहुत पीछे हट जाओगे, बहुत पीछे चले जाओगे। और याद रखिएगा, केवल आप अगर एवरेज सोचते हो तो एवरेज सोचने वाले को कभी सक्सेस नहीं मिलता, जो लगा हुआ है उसको नहीं मिल रहा है तो एवरेज सोच को कैसे मिलेगा, समझ रहे हो। जो अपना दे चुका है, इतना साल दे देता है, उसके बाद भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो केवल सोचने से नहीं होना, ये बात समझिएगा। अगर आपको थोड़ा करना है तो करके देखने में क्या लगता है, एक बार एग्जाम जरूर दीजिए आप लोग, है ना। एमएससी कर रहे हो आप, एलिजिबल हो बेटा, आप एलिजिबल हो बड़े स्तर में जाने के लिए, तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा भैया। बड़ा गाड़ी चढ़ने के लिए बड़ा ईंधन की जरूरत पड़ता है ना, बड़ा काम करने के लिए बड़ा सबरा बड़ा वो सब चीज चाहिए। बट आपको मान लो चपरासी बनना है, चपरासी बनने के लिए बहुत कम मेहनत चाहिए। प्रोफेसर और टीचर, इसमें अंतर है ना। मान लो किसी और क्लास की जो है आप जॉब हासिल कर रहे हो, और प्रोफेसर में अंतर होता है। तो आप अगर उस स्तर का सोच रहे हो, रिसर्च लेवल का, तो थोड़ा सा जागरूक होकर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई चीज गलत नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बात कर रहा था, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ही मैंने डाल दिया क्या, आर्गुमेंट के साथ में, ये तो मॉडुलस था ही, है ना। तो ये आप एक्स्ट्रा डब्बा में डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा मॉडुलस करके, मॉडुलस के बारे में बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। ये मॉडुलस की बात हो गई, और ये किस बारे में बात हो गई, आर्गुमेंट के बारे में बात हो गई, कोई प्रॉब्लम किसी को, सही बात है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात थी, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, मैं एक बार और इसको ड्रा करूंगा और आपको और समझाऊंगा। ये मैंने क्या कहा है इसको आर, ये मैंने क्या कहा है इसको थीटा, यहां पर क्या था आपका जेड, ओके। मेरा जेड का लिखने का तरीका क्या था, जो भी आपने लिख रखा था, जेड बराबर में एक्स प्लस में आयोटा वाई, सही बात है। एक्स की बात करूंगा बेटा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, एक्स की होगी। अगेन ड्रा कर देते हैं आपको समझाने के लिए, और ये क्या होगी, वाई वाली होगी। आपको याद होना चाहिए, है ना, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई किया है, आपने बेसिक फर्स्ट ईयर, वहां पर आपका जरूर देखने को मिलेगा सदिश विश्लेषण व ज्यामिति का अध्ययन, समझ आ रहा है। हम जो है जब भी चीजों को कार्तीय रूप बोला करते थे हम लोग, कार्टिशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आपने भौतिकी भी अच्छा से पढ़ा है, मेरे ख्याल से आपने फिजिक्स अच्छा पढ़ा है, तो चाहे आप सेकंड ईयर में पढ़ लो, चाहे फाइनल में पढ़ लो, हम लोगों ने अक्सर जो है एक्स एक्सिस को हमने आर साइन थीटा का नाम से रिप्रेजेंट किया है, और वाई एक्सिस को हम लोगों ने क्या किया है, आर कॉस थीटा के नाम से रिप्रेजेंट किया करते थे। सही बात है बेटा, सही बात है कि नहीं, R cos थीटा और R sin थीटा, ये हमारा जो है R का, अगर R एक बल हुआ करता था बेटा, बल के कंपोनेंट होते थे, एक होता है क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है क्या वर्टिकल कंपोनेंट। ये बातें समझ आ रही है, आपने ना जाने कितने बार किया होगा, चाहे आपने मैग्नेटिज्म के बारे में समझा होगा, चाहे आपने और किसी के बारे में समझा होगा, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं, है ना, आर साइन थीटा आपका ये गलत है बेटा, यहाँ पर एक्स को क्या लेते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा, और इसको हम लोग क्या करते थे, आर साइन थीटा, है ना, ये बात क्लियर है, ठीक है, हमने गलत लिख दिया था उसको, बात क्लियर है। तो ये बात जो है हम जानते हैं, आपने क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है, ये एक्स प्लस में आयोटा वाई, सही बात है। तभी तो बेटा ये गलत है, ये कैसे समझ आया, क्योंकि आप जानते हो वाई अपॉन में एक्स क्या होना चाहिए, टेन थीटा, तो y अपॉन में x tan थीटा कैसे होगा, y का वैल्यू अक्सर क्या आएगा, sin थीटा, r sin थीटा, और x की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा, r r कट गया और क्या आएगा, tan थीटा, वो देख के समझ आ गया था, गलत कर रहे थे हम लोग थोड़ा सा, है ना, वो करते करते भावुकता बस मैं उसको कर रहा था, मेरे को भी पता है। x इक्वल टू, बच्चों अगर पुट कर लिया आप लोगों ने, क्या कर लिया, पुट कर लिया, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू आप लोगों ने पुट कर लिया बेटा, ये है ना अच्छे से बता देते हैं, पुट कर देते हैं, x इक्वल टू r cos थीटा, और y का वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग क्या, r sin थीटा, देन आपको z का वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि z का वैल्यू बेटा दो रूप में आपको देखने को मिलेगा। अक्सर हम ज्यादा काम किस पर करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा जो काम होगा बेटा पोलर फॉर्म में बहुत होगा, सर्कल को भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूं, ओके, देखिए ध्यान से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, r cos थीटा बोलेंगे यस सर, और यहां पर क्या आएगा, आयोटा r sin थीटा। तो आप एक बार r को बाहर निकालिए, यहां पर रखेंगे बेटा, और आप लिख देंगे cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा, समझ आया, आयोटा sin थीटा, यहां तक सबको समझ आया,
किसी कोई आपत्ति, किसी कोई प्रॉब्लम? क्या आप यूलर का एक सूत्र जानते हो, दमाइवर, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो? एक्सपोनेंशियल आई थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। अगर एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा होता तो क्या होता है? कॉस थीटा माइनस में आयोटा साइन थीटा होता है। कभी नहीं भूलेगा, और आपके बुक के पहला पेज में सबसे पहले यही नजर आएगा। समझ आया? क्या नजर आएगा? ये आपको पहला पेज में जब इंट्रोडक्शन शुरू में जब कर रहे होंगे तो ये नजर आएंगे। और इसलिए आप लोगों ने कई बार जो है 12th क्लास में और आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में इंटीग्रेशन करने के दौरान ये जरूर देखा होगा। आप लोगों ने क्या देखा होगा बेटा? कॉस थीटा बराबर में एक्सपोनेंशियल आई थीटा और प्लस में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा अपॉन टू हुआ करता था सूत्र है। समझ आ रहा है? कहां से आया? समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर दिया बेटा? मैंने जोड़ दिया, एड कर दिया। और इसी कारण से आप लोगों ने साइन थीटा का जो मान देखा होगा, साइन थीटा का मान अगर आप लोगों ने सही में पढ़ा होगा तो जरूर नजर आएगा। हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पीएससी में किया था, है ना? कुछ जगहों पर हम डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते, जहां इंटीग्रेट नहीं कर पाते साइन को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होता है। ओके बेटा, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है? तो ये आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था? एक्सपोनेंशियल आई थीटा माइनस में ये आपका एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा अपॉन में 2 आयोटा। ये सूत्र है हमारे, तो याद रख लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल। अगर आपका 12वीं बहुत अच्छा और आपका जो पढ़ने का तरीका अगर बहुत अच्छा है, बेसिक चीजें, तो आपको पूरा कॉम्प्लेक्स के दौरान कभी कोई टेंशन नहीं आएगा। टोपोलॉजी की तुलना में भी लाख गुना ज्यादा ये सरल है, सबसे सरल है, कोई खास बातें नहीं होंगी। हाँ, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के समान या मतलब पता होना चाहिए, आपका बेसिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, एमएससी पढ़ रहे हैं, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको जहां नहीं आएगा वहां पर मैं अपना शिक्षक होने का जो धर्म है उसको निभाऊंगा और आपको बार बार सिखाऊंगा। और आई होप कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जब भी आपको नजर आएगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में बहुत जगह मैं रिप्रेजेंट करूंगा। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला में डायरेक्टली मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चा? आर, और लिखूंगा क्या? एक्सपोनेंशियल आई थीटा। क्या लिखूंगा? आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का ना बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मैं समझाने का बार बार प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, तो बेटा अभी हम लोग को एक बात समझना है। हमें ना बहुत जगह पे काम करनी, हमें रेशेड्यूज, हमें कंटूर, नया नया शब्द देखने को मिलेगा। रेशेड्यू होगा, कंटूर होगा, पोल होंगे। अब ये जो शब्दावली जो आएंगी वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा। एक शब्द आएगा आपको देखने को मिलेगा, कंटूर। व्हाट इज कंटूर? कंटूर मतलब बच्चों वो क्या होता है, पूरी एक चैन है। किसका? जॉर्डन आर्क का। व्हाट इज जॉर्डन आर्क? ये जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो है सेकंड सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में देखने को मिलेगा। वहां रेक्टिफायबल कर्व, कर्व, आर्क, जॉर्डन आर्क, आर्क के बारे में पढ़ेंगे। आर्क का मतलब होता है बच्चों सिंपल सा, कोई भी अगर मैं इस प्रकार से कर्व बनाऊंगा, देखिएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस? पैराबोला, राइट? पैराबोला क्या बनता है? कर्व। इस प्रकार से कर्व, जो जो भी कर्व होते हैं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व ही बोलते हैं। तो कर्व अगर क्लोज्ड कर्व बन जाए तो कहने का मतलब कर्व जो है ऐसे हर फंक्शन की बनती है, ऐसे घूमते 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 कुछ कुछ बना रहा है और वो बंद हो गया, तो बंद हो गया तो वो क्लोज्ड कर्व हो गए। कर्व ऐसा चीज होता है जो शुरुआत होता है जहां से वहां घूम के आ जाते हैं, क्लोज कर्व होता है। समझ आया बात? क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं अगर ऐसे ही लाइन खींच दूं और वो बनाना चालू करूं, उसको मैं घुमाना चालू करूं, मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ऐसे कोई लाइन घुमाना चालू कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता घूमेगा कि नहीं और ये जो है मिलेगा कि नहीं। लेकिन अगर इसको इमेजिन कीजिए इनवर्स में, इनवर्स में अगर ये जो है, अगर ये सीधी रेखा होती तो एक दूसरे को कभी नहीं काटता, क्योंकि अंतिम छोर को काटेगा नहीं। अगर जरा से मुड़ा तो पूरे इनवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर उसको ड्रा करने का प्रयास किया जाए तो ड्रा करेंगे इस इनवर्स में, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात पूरा प्लेन पे होती, पूरा इनवर्स पे होती है, धरातल पे बात नहीं होगी पूरी तरीके से। समझ रहे हो बात को? तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये जरूर एक दिन ये आपस में एक दूसरे को जरूर कहीं ना कहीं काट जाएंगे। समझ आएगा? तो रेक्टिफाइबल कर्व के कॉन्सेप्ट भी यहीं से आएगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा, जरूरी है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात को? जरूर काटेगा। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो एक दूसरे को नहीं काटती, या फिर एक ही लाइन है तो उसके एंडिंग पॉइंट एक दूसरे को नहीं काटते, पूरा इनवर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ता रहेगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत,
जिसका कोई अंत ना हो वही क्या है, अंत होता है, अनंत बोलते हैं इसी को हम लोग। तो बात आपको समझ आनी चाहिए प्यारे बच्चों। मैंने कहा कर्व के बारे में बात होगा, कंटूर के बारे में बात होगा, तो मैं सबसे पहले ज्यादा जो जितने कंटूर होंगे उन कंटूर को सिंपल बनाने का प्रयास करूंगा, और कंटूर सर्कल होगा तो और ज्यादा अच्छा। कंटूर क्या होंगे, कंटूर का मतलब ही है डोमेन छोटा सा, जिसे बाल बोलते हैं ना बेटा। हम लोग क्या करेंगे, टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन की बात आती है तो हम लोग स्फेयर बॉल बोलते हैं। स्फेयर आप लोगों ने अगर मैट्रिक स्पेस पढ़ा होगा तो उसमें जरूर सुना होगा, है ना, गोलक करके। तो लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स में गोलक नहीं होती, उसमें क्या होती है, कंटूर्स होते हैं। समझ आया, जैसे कि ये खुद मेरे कॉम्प्लेक्स सोच सकते हैं, हालांकि रियल में है ये, तो उसके बावजूद ऐसे इमेजिनरी चीजें आपको दिमाग में लानी पड़ेगी। तो वहां पर शब्द क्या आ जाते हैं बेटा, कंटूर्स। क्या आते हैं, कंटूर्स। एक्चुअल में क्या है, ये कर्व है, और कर्व जो है आपस में क्या हुए हैं, ये चैन के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे बेटा ये जुड़ गए हैं। इसको जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। और ये आर्क जो है चैन बना दिया, तो जुड़ गए पूरा, सारे आर्क मिलकर क्या बना दिए, चैन बना दिए। ये जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, कंटूर्स कहलाते हैं। कंटूर्स की अपनी परिभाषा छोटी सी आप लिख सकते हो जी, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। आ गया बात समझ, कवर हो गया। तो मैं तुम लोग को छोटा सा अभी बात करूंगा, वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगेन हम रिपीट करते हैं अपनी बात को, आपने क्या समझा बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा कैसे हुए, कैसे उसकी जो है आगे बढ़ाने की बात चालू हुई, किस प्रकार से उसको सोचा गया, लाया गया हमारे मैथमेटिक्स में, है ना। रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हमने बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में बात की, क्योंकि नंबर जो है बिल्कुल भी लाइन पे नहीं दिखने वाले, किस पर दिखेगा, प्लेन पे दिखेगा, तो उसकी इमेजिनरी हिस्सा भी होगा और रियल। तो ये जो लाइन है यहाँ पर भी क्या है, ये सारे रियल लाइन है, कभी दो लिखेंगे दो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का हिस्सा है। समझ आया, इसका इधर हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट। मापांक सबके क्या होंगी, समान होंगी, और दूरियां क्या होंगी, अलग। मतलब इस बिंदु की इसका मिरर इमेज बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, मिरर इमेज, एक आपका इस वाले हिस्से का इधर बनेगा। तो ये आपका एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस करेगा माइनस आयोटा, मतलब आपका ये लाइन जैसा तैसा रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ आया बेटा, साइमेट्री बोलते हैं इसको हम लोग। ये आपके जो है, आपके जो अपर जो क्वाड्रेंट है ना, और ये लोअर क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग, ये आपका ऊपरी हिस्सा और ये निचली हिस्सा, हालांकि चार हिस्सा बांटते हो आप लोग, तो अपर क्वाड्रेंट की जो एलिमेंट्स होती हैं लोअर क्वाड्रेंट में चली जाती हैं, नीचे चली जाती हैं, है ना। ये आप जो है बनाएंगे तो बात समझ आएंगी। तो ये ऊपर हिस्सा का नीचे हिस्सा आएगा उसी दूरी पर, और दोनों की मापांक सदैव एक होती, क्या होती बेटा, दोनों की मापांक क्या होंगी, सदैव एक जैसा होगा। सारी जो बात है, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जो है मिटा रहे हैं, कि यहाँ पर बहुत सारे बातों को रखेंगे, हालांकि वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, पूरा क्लियर होना चाहिए, मैं बाद में इसको लिख दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोला मैंने, मेरा जो है यहाँ पर नोट, नोट के तौर पर आपको कोई जेड इक्वल टू क्या बोला, एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो जेड का कॉन्जुगेट मतलब क्या, एक्स प्लस में नहीं माइनस में आयोटा, उसका जस्ट क्या होगा, अपोजिट एक्स में। इसको हम लोग क्या बोलते थे, संयुग्मी। क्या बोलते हैं, संयुग्मी बिंदु कहते हैं। तो बिंदु अगर जेड एक बिंदु है तो जेड बार क्या है उसका दूसरा बिंदु, जो कि संयुग्मी होगा। संयुग्मी मतलब दूसरा, विपरीत दिशा में उसका एक प्रकार की काया, खास ऐसे मान जो कि उसी डिस्टेंस में होगा। मतलब उसका डिस्टेंस निकालूंगा बेटा, यहाँ पर ऐसा लाइन खींचूंगा, राइट, लाइन खींचूंगा तो एक और आर आएगा। एक्चुअल में मैं मॉड जेड इक्वल टू मॉड जेड बराबर आर, सारे दूरियां सेम होंगी, बस दिशा बस बदल गया है। तो दूरियां कभी निगेटिव होती नहीं, दूरियां क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लो आप, क्या करेंगे बेटा, मॉड में क्या लिखेंगे, एक्स, माइनस में क्या लिखेंगे आप लोग, आयोटा वाई। जब करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये सेम सेम हुआ कि नहीं, सेम होगा ना बेटा, ये सेम होगा। इसलिए जो है कभी भी कॉन्जुगेट की बात करेगा तो कॉन्जुगेट जो है होती हैं वो क्या होती हैं, उसकी भी मॉडुलस सेम होती हैं जैसा पहले था। बात समझ आया है ना, हाँ। लेकिन इसके कोणांक की बात करेंगे, आर्गुमेंट की बात करेंगे, आर्गुमेंट क्या होगी, निगेटिव एक्सिस में बनेगी। तो उसकी आप जो है देखिए, दो प्रकार की आप क्या करते हो, एंगल नापते हो बेटा। एंगल होती है एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज होते हैं उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और क्लॉकवाइज को हम क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं। समझ आया, आप लोगों ने जब भी देखा होगा, आप लोगों ने एक चांदा लिया होगा बचपन में, तो उसमें जो है नापने का तरीका ऐसे ऐसे लिखा रहता था। एक क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम चीजों को नापते हैं, आदत सी है हम लोग को। और यहाँ पर उल्टा होगा तो देखिए, यहाँ पर एंगल सेम सेम बनेगा। समझ आया, तो ये आपका कौन सा, अपोजिट क्वाड्रेंट पर ये यहाँ पर आएगा, तो आर साइन टी कब, निगेटिव आएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो है टेन की बात होगी या फिर जो भी होगी वो थोड़ा निगेटिव, पता नहीं किस प्रकार से आप कर रहे हो, क्योंकि आप टेंजेंट की बात कर रहे हो, टेंजेंट की बात तो जैसे भी कर रहे हो, लेकिन क्या उसकी एंगल निगेटिव एंगल होगा? बोलेंगे यस सर निगेटिव एंगल होगा, दिख रहा है निगेटिव एंगल, हाँ कि ना? तो आप लेंगे क्योंकि वाई की वैल्यू जो भी आएगी वो निगेटिव डायरेक्शन में आप लेना चालू करोगे, क्योंकि वाई अपॉन में एक्स ना लेकर माइनस वाई अपॉन में एक्स लिखा जाएगा, हाँ कि ना बेटा? वाई की जगह क्या लिखेंगे? माइनस वाई अपॉन एक्स लिखेंगे। बात क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस चीज को लेकर? बड़ा सिंपल सी बात है, ये सारे चीजें आपको नोट करते चले जाना है। तो मैंने लिख दिया बात को, यहाँ पर क्या लिखा था बेटा, मैंने लिखा था नोट नंबर फर्स्ट, जेड मॉड जेड बराबर क्या होता है, ये आपका ये सब सेम होता है, वो क्या होता है? आर ई होता है, ठीक है। अगर मैं सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूं, मैं बोलता हूं ये सर्कल ही है, जगह जगह ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? मॉड जेड, और मॉड जेड इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? आर एक्सपोनेंशियल आई थीटा। ये जो है ये पूरा की जो मापांक होगी वो पूरा आपने ओनली जेड बराबर ऐसा बोल दिया आपने, समझ जाना कि हमारा क्या है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने वाला चीज, क्या सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये आप पूरे को क्या बोल रहे थे, आप इस पूरे को मॉड जेड को आप क्या बोलते हो, आप मॉड जेड या फिर इसको पूरे को बोलते हो, दिस इंप्लाइज दैट आप आर बोलते हो ना, इसका मतलब ही क्या होता है, आप जो है जितने बार ऐसे लिखेंगे समझ जाना कि आपने सर्कल को लिखा हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि आप जो है इसके बारे में ध्यान से देखें, और आपको ये चीजें यहाँ पर भी वापस आकर देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पर ही आप किसी भी जगह पर लिखेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही थे ना, बदला है वो अपना रूप बस बदला हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था बेटा? ये पूरा ये जेड बराबर एक्स प्लस में आयोटा वाई, और मॉड जेड कर दूंगा तो आपने कहा आर आएगा, आर का ही बराबर क्या होता है? आर बराबर ही इसी के बराबर ऐसे नहीं लिखते जी, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या, वाई स्क्वायर बराबर में क्या, आर का स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्कल, जिसकी सेंटर क्या है बेटा? जीरो जीरो है, ओरिजिन इसका सेंटर है, और उसका दूरी क्या है? आर। मतलब ये देखो ऐसे खींचेंगे इसको, समझ आया? यहाँ पर क्या बनेगा? इस प्रकार से रेडियस उसका कवर करते हुए जो है आगे बढ़ेगा, और आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तो कहीं जगह पे, बहुत जगह पे, कहीं क्या, जितने जगह पे कई बार यूनिट सर्कल की बात करेगा, सर्कल ऐसे ही लिखता चला जाएगा बच्चों। तो समझ आना कि मॉड लिख दिया ओनली ऐसा करके, तो मापांक निकाल रहे हैं ऐसा मत बोलना बार बार, हमको वहां लिखा रहेगा नीचे में दिस इज सर्कल, गिवन सर्कल ऐसे बोलेगा। मान लो ऐसा लिख दिया बच्चों जेड माइनस वन करके, बोलना कि वन क्या है उसका, रियल लाइन पे वन उसका क्या है, ओनली रियल वैल्यू को ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, रियल वैल्यू को कहीं से घटाया, इसका मतलब ये है आपको क्या लिखा गया है, देख के समझ जाना है कि रियल वैल्यू को लिखा मतलब आप लिखने वाले हो एक्स प्लस में क्या, आयोटा वाई माइनस में वन, ठीक है ना बेटा, है ना। अब देखिएगा, आपको सर्कल का इक्वेशन पता होगा, तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है, एक्स माइनस ए सबकी होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बी सबकी होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये जो है केंद्र होते हैं बेटा, और ये क्या होती है उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। अगर ये जीरो जीरो होते हैं तो क्या होते हैं, ओरिजिन उसकी सेंटर होती है। तो देखिएगा इसमें आप जो करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस में वन रियल पार्ट हो गया, आयोटा वाई पार्ट हो जाएगी, है ना। तो इसकी जो केंद्र होगा वो केंद्र आपको दिख गया होगा बेटा, क्या होगा, वन कॉमा जीरो, यस एब्सोल्युटली राइट, वन कॉमा जीरो उसकी क्या होगी, सेंटर होगी। मतलब आपके सर्कल जो है ऐसे बना करता था, ये सारी क्लास जो है अभी जो चल रही है, सारे इंट्रोडक्शन है, इसको जो है एक बार दो बार रिपीट कर लीजिएगा घर में अच्छे से, क्योंकि जहां जहां बातें होंगी आप करते चले जाएंगे। बहुत सिंपल आपका सब्जेक्ट है बेटा, मतलब पहले आपका सर्कल ऐसे बना करता था, ठीक है, अब क्या बनेगा बेटा, अब सर्कल आपका ऐसे बनेगा। मान लो यूनिट रेडियस का रहा तो आप यहां से यहां तक क्या बोलेंगे, वन है रेडियस, ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको जैसा निर्देशित किया गया वैसे आप काम करेंगे। बातें क्लियर है, समझ आ रहा है? तो कुछ जगह सर्कल लिखते ऐसा लिख देगा, मॉड जेड इक्वल टू क्या बोला, वन, व्हाट इज दिस, मैं बीएससी में कई दो बार एक दो बार बोला हूं, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, वन है, ये क्या है बेटा, वन, इधर वाला हमेशा रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। बातें क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू है बोलेगा तो क्या बोलोगे, टू रेडियस है, नहीं बोलना, रूट टू रेडियस है उसका, समझ आया, क्या होगा, रूट टू उसकी रेडियस होगी, टू ना बोलकर टू रूट टू बोलने वाले हो आप लोग, ठीक है। आगे हम बढ़ाते हैं अपने बात को, क्योंकि आपको ऐसा करने के बाद आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा, तो ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। बात सिंपल सी थी, तो आप लोग को सर्कल की बात होगी तो आप असहज नहीं होंगे, मेरे को इतना समझ आ गया, समझाइए सर, नहीं बोलना, काम करना है, आगे बढ़ना है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन थे, क्या ये सारे इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया? अब आता है बेटा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना, कॉसी
थ्योरम के पास हम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए वो अलग बात है, हम कर लेंगे तो हम जो है उसको नहीं मिटाने वाले, है ना। उसके पहले इधर हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन की स्टडी करेंगे। क्या आप लोगों ने फोटो खींच लिया है इस बात का, है ना, फोटो खींच के रखो इसको, है ना। बहुत बार रुकना पड़ेगा, आपने बहुत सारी चीजें और लिखा होगा, याद रख लीजिएगा। सारे जितने भी आपको छोटी छोटी बातें मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन प्लस जेड टू है तो उसका अगर आप मॉडल्स निकालते हो तो पहला का मॉडुलस प्लस में दूसरा का मॉडुलस इज लेस देन जो है, या फिर ये ग्रेटर देन होगा और ये वाला क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। याद है आप लोग को बीएससी आपका फाइनल, हम लोग आसानी से इसको सिद्ध कर देते थे और फटाफट हम इसको कवर कर सकते हैं। ओके, अच्छा आपको याद रखना है जेड इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, जेड इंटू जेड बराबर हमेशा क्या होता है, आर होता है। जेड इंटू जेड बराबर क्या होता है, आर का स्क्वायर होता है। ओके, आर का स्क्वायर कैसे आया बोलेगा तो बता दीजिएगा, बहुत जगह प्रयोग करेंगे इसको। जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, और जेड बार का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस में आयोटा वाई, ये कॉन्जुगेट है जेड का। तो इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब होगा ए का स्क्वायर माइनस में ये आपका आयोटा है, मतलब बी का स्क्वायर। इसका अर्थ ये होगा सर, आयोटा का वर्ग करने से माइनस आता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या वाई स्क्वायर, और यही क्या होता है आपका आर स्क्वायर। समझ आया, तो ये आपका जेड इंटू जेड बार बराबर इतना होता है, ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। अगर बच्चों पांचवा नंबर की बात करूं, ये जेड है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी के मैं कॉन्जुगेट के साथ जोड़ दूं तो क्या आएगा, टू टाइम रियल नंबर आता है, रियल पार्ट आएगी उसकी। समझ आया, इसका क्या आएगा, टू टाइम रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा रहता है ऐसा। समझ आया, रियल पार्ट ऑफ जेड कैसे आया कोई बोलेगा, तो करके दिखाना उनको, समझाना कैसे आया, ये ऐसे आया सर। जेड का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, फिर प्लस में जेड कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस में क्या आयोटा वाई। बात समझ आया, इंट्रोडक्शन पे फुल ध्यान होना चाहिए आप लोग का, कॉपी में हर किसी का दिखना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, टू एक्स प्लस आया वाई और आयोटा वाई, आपका देखेंगे सॉरी आयोटा वाई, और एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है, ब्रेकेट खोलूंगा तो हो जाएगा कैंसल। मतलब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका रियल पार्ट है वो कितना बार आया, टू टाइम। इसलिए क्या लिखा रहता है, बहुत सारे थ्योरी के दौरान जब हम लोग जो है आगे चलकर कन्फर्मल मैपिंग पढ़ेंगे बेटा, तो वहां पर क्या लिखा रहेगा, ऐसा कभी लिख देगा तो भूलना नहीं, टू टाइम, या फिर यहीं पर भी मैं मेंशन करूंगा तो भूलना नहीं, टू टाइम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इसका टू एक्स ही होता है। सिंपल सी बात है कि नहीं, भूलोगे आप लोग नहीं भूलेंगे ना, क्या आएगा, टू टाइम रियल पार्ट आएगा, ये रियल पार्ट है बेटा, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट गया। अगर मैं माइनस किया होता तो जेड माइनस में जेड बार किया होता तो क्या आता, टू टाइम इमेजिनरी पार्ट आता। सिंपल सी बात है नहीं, एक्स और एक्स क्या हो जाता, कट जाता, ये माइनस में ये रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, और टू टाइम क्या आता, रियल पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट आता। अब आता है बच्चों क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, है ना, हम जो है जी क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इधर मैं खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा समझिएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे बनते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बच्चों, रियल फंक्शन जिस प्रकार से आप फॉर्म कर रहे थे वैसे ही थोड़ा दिमाग लगाएंगे, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन की मैपिंग के दौरान आपको हमेशा जो है किसकी आवश्यकता होती है, दो अलग अलग प्लेन। आप देखिए आप लोग क्या करते हो, जब रियल फंक्शन बनाते हो बेटा, तो रियल फंक्शन बनाते हो तो जैसे कि किसी ने कह दिया कि ये नेचुरल नंबर है तो ये रियल नंबर, आप जैसे सीक्वेंस को मैपिंग करते हो तो ये बनाने के तरीके हैं, या फिर आपका एक ये एक्स डोमेन है तो ये क्या है उसका वाई, उसका कोडोमेन है, ऐसा बोला करते थे। लेकिन हम वेन डायग्राम नहीं बना सकते किस पर, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिस्से पे, क्यों, संभव नहीं है। आपको दिखाएंगे इसमें प्लेन बनते हैं, ना कि आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम, एक प्लेन को बोलेंगे जेड प्लेन और एक प्लेन को बोलेंगे डब्लू प्लेन। समझ आया, एक प्लेन को क्या बोलेंगे, जेड प्लेन, और एक प्लेन को बोलेंगे डब्लू प्लेन। तो चलिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में देते हैं, है ना, क्या हो जाएगा बेटा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग बोल देना, लेट लेट जेड आपका क्या है, जेड बी अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, है ना, या फिर जेड बिलोंग करता है, बोलना बेटा कहां पर, आपके जो है डोमेन, और डोमेन किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हिस्से का डोमेन है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। देन आप बोलेंगे देन कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, फंक्शन इज डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों इसको, डिफाइन इस प्रकार से करेंगे, एफ ऑफ जेड बराबर में आपको नजर आएगा वो क्या होगा, एफ ऑफ जेड की जगह यहाँ पर एक्स प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, आयोटा वाई लिखेंगे ना,
जब कोई मैप कर जाए बेटा, रियल पार्ट कुछ अलग इमेज बनाएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट क्या बनाएगा, कुछ अलग बनाएगा। मतलब ऐसे आप लीनियर प्रॉपर्टी सुना है फंक्शन का आप लोगों ने बेटा, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे जो हमारे मैपिंग बनाते हैं, मैपिंग बनाने के लिए हम लोग को जरूरी हो जाता है, अगर मैपिंग कंटिन्यूस हो तो ही काम हो पाएगा मैप करने के लिए, है ना। तो कंटिन्यूटी के रूल के कारण से हम लोग, हालांकि हम उसको अलग करेंगे, मैं लिनियरिटी के बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई, एक्स जो है एफ ऑफ एक्स बनता है रियल फंक्शन यू, और यहाँ पर आपका आयोटा वाई बन जाता है दूसरा फंक्शन वी, समझ आया। तो एफ ऑफ जेड को अक्सर हम क्या देखेंगे, यू प्लस में क्या देखेंगे बेटा, आयोटा वी के रूप में। था कुछ अलग, बना कुछ अलग। फंक्शन में आपका वेयर करके आप हाईलाइट कर सकते हो, वेयर क्या वेयर बेटा, वेयर आपका जो हमारा जेड था वो क्या था, एक्स प्लस में क्या था, एक्स प्लस में आयोटा वाई था। लेकिन मैपिंग के बाद क्या हो गया, मैपिंग के बाद दो फंक्शन, क्योंकि रियल वेरिएबल का फंक्शन रियल बनता था, आपका कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या बनना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वर्जन में बनना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की खुद की रियल पार्ट होती है, इमेजिनरी पार्ट होती है, तो आपकी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की भी क्या होगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगी। बात समझ आ रहा है, मैं तुम लोग करके दिखाता हूँ, आपको दिखेगा। जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिखोगे, अब एग्जाम्पल के लिए आपके समक्ष रख रहे हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन है बेटा, उस फंक्शन को एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बोल दिया आप, जेड स्क्वायर प्लस में वन। जैसे कि आप लोग एफ ऑफ एक्स फंक्शन बोले थे, याद है आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस में वन बोल सकते हो, बोलते थे ना, ऐसे फंक्शन बनाते थे, एक्स की फंक्शन क्या है, ये पूरा फंक्शन है। कभी आप लोगों ने ऐसे भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, समझ आया बात। तो आपने कुछ फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, जेड स्क्वायर प्लस में वन। जेड वेरिएबल है इसलिए जेड वेरिएबल आपका वेरी करेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये तो आप बोलेंगे गुरुजी आपने बोला था यू प्लस में आयोटा वी के रूप में दिखेगा, हमें तो दिख नहीं रहे, यू भी नहीं दिख रहा है, मैं तुमको दिखाता हूँ, समझ आएगा, आप जान पाओगे, कर पाओगे। आप क्या करेंगे बेटा, आप जानते हो जेड की जगह क्या रखना होता है आपको, एक्स प्लस में आयोटा वाई की होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, वन। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, इसका अर्थ ही है भाई ए का स्क्वायर करना है आपको, है ना, ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करूंगा तो बेटा वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर भी तो होगा साथ में, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का। फिर प्लस में क्या होता है, टू ए बी, तो टू तो होगा, ये ए मतलब एक्स होगा और ए मतलब एक्स होगा और बी मतलब क्या होगा, आयोटा, तो मैं टू फिर आयोटा फिर एक्स और वाई लिखूंगा और प्लस में क्या है, वन। अब ध्यान से देखिए, ये दो प्रकार के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रियल फंक्शन है, एक इमेजिनरी। जहां आयोटा होते हैं उसको इमेजिनरी बोलते हैं, और जो आपका जहां आयोटा नहीं होता उसको रियल बोलते हैं। तो देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वन एक रियल फंक्शन यू है, और दूसरा वाला फंक्शन क्या है आपका, आयोटा बाहर निकालिएगा, टू एक्स वाई एक दूसरा फंक्शन है, यहाँ पर आपका इसको कहा जाएगा यू और इसको कहा जाएगा क्या, आपके आयोटा बी। तो हमेशा जो है एक फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन अपने आप को जब बदल लेता है तो किस रूप में लिखता है, यू प्लस में आयोटा वी के रूप में। ये बात आपको समझ आएगी नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको विश्वास कर सकता है। सर फंक्शन, फंक्शन को क्या बोलते हो आप लोग, आपका मर्जी, आपको नहीं कहना है यू तो कुछ अलग कहना है तो अलग कह दीजिएगा, लेकिन हमें आदत सी है बेटा, हम क्या बोलते हैं, एक को यू और एक को वी, ये अच्छा भी लगता है, नंबरों को एक्स और दूसरे को वाई। तो ये बात समझ आ रही है ना। तो ये जो बातें हमको आपको समझाने के लिए बोले थे, याद रखिएगा, ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं कहलाएगी, ये तो मैंने लिखा था, वो समझाने के चक्कर में ऐसा किया है, वरना पहले क्या होंगे, इसके बारे में रखा जाएगा, मैपिंग करेगा, मैपिंग क्या करता है, उसकी बिहेवियर तो होगी। तो ये बातें जो है पूर्णतः सत्या नहीं थी, आपको समझाने का माध्यम था, पर आपको समझ आ गया तो मैं अपने बात को क्या लिखूंगा, उसको क्लियर करूंगा। भले लिखा था मैंने एक्स प्लस में क्या बेटा, आयोटा वाई, है ना, आपको समझाने के लिए वो रास्ता अपनाया, और हमेशा क्या बनेगा, ये यू प्लस में आयोटा वी बनेगा। समझ आया बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी आप लोगों को मैंने समझाया था कि जब भी मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को लेकर चलूंगा तो कॉम्प्लेक्स चीजें, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, उसको मैप करने के बाद वही प्लेन पे नहीं दूसरा प्लेन पे बनाना पड़ता है, उसको समझाने के लिए, उस बात की भी हम लोग जिक्र करेंगे। इधर हो चुका है आप लोग का, है ना, तो हो चुका होगा, तो मैं उसको मिटाता हूँ और मैं तुम लोग को इमेज बना के दिखाता हूँ। जिनको करना है जल्दी जल्दी कर लिया करो, क्योंकि हमको रुकना नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ये जो है फटाफट करना होता है बेटा, आप लोग जल्दी कीजिए, जल्दी करना है तब जो है समझ पाओगे, ठीक है, हो गया, ओके। तो ध्यान से देखो ये बात जो है, मैं क्लियर करता हूँ, और फोटो खींच रहे हैं आपस में शेयर कर देना आप लोग। देखिए क्या होगा बेटा, आपको समझाने के लिए अब छोटी सी हम क्या करते हैं, चीज अपनाते हैं, देखिएगा कि कैसे हमें एक प्लेन को, ये जो सब चीज बना हुआ है ये बनता है बेटा कहाँ पर, डब्लू प्लेन पर।
ये जो आपने किया वो कहां पर बनेगा, डब्ल्यू प्लेन, और ये जो होता है ओनली जेड ये कहां पर होता है, जेड प्लेन पर, समझ आया, जेड प्लेन पर होगा। तो आप देखिए यहां पर एक प्लेन बनाता हूं जिसका नाम क्या है, जेड प्लेन, ठीक है बेटा, ये जेड प्लेन है, और एक मैपिंग होने के बाद कहां पर आएगा, डब्ल्यू प्लेन। तो ये प्लेन क्यों चाहिए पता है, जब मैपिंग करते हो तो वो जगह को अपना बदल भी सकता है, रख भी सकता है, एक फंक्शन बोलिएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, आपका बोलने के तरीके कुछ भी हो सकता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप क्या कर दीजिएगा, जेड प्लस वन ही लिख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इस फंक्शन में क्या करेंगे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे बेटा, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई नंबर है ये, सही बात है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताइए आप कुछ इच्छा से कुछ भी रखिए, क्यों अलग प्लेन की आवश्यकता है आपको पता चल जाएगा, आप जेड की जगह क्या रखना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे नंबर है बेटा, बहुत सारे नंबर है, किसी ने बोल दिया कि टू प्लस में आयोटा थ्री रख दो, या फिर आयोटा थ्री ऐसा लिखते हैं हम लोग, आयोटा थ्री या फिर थ्री आयोटा लिखते हैं, किसी को मन लगता है आप सर कुछ अलग लिखो, अलग लिखो का क्या मतलब होता है, किसी ने कुछ भी कह दिया हम उसको मान लेंगे, टू आयोटा ऐसे भी नंबर, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देखना वो वही नहीं बनेगा नंबर, आपको कुछ अलग बदल जाएगा मैपिंग करने के बाद, बदलेगा गारंटी इस बात की। तो आपने रख दिया, आपके पास होगा और उसको देखिएगा ध्यान से, ये पूरा आपका जो था ये आप क्या रखने वाले हो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रखूं, चलो टू प्लस में क्या लिखा मैंने, थ्री आयोटा लिखा, लिखा, अब देखना इसका फोटो यही नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा, तो प्लेन कुछ अलग बनाना पड़ेगा उसके लिए, कहीं यही पर ऐसे घूमेंगे क्या, नहीं, ऐसा आपको मैपिंग एफ लिखना पड़ेगा, और जेड जेड जो के कहां बनाएगा, एफ ऑफ जेड बनेगा, इधर अलग बनेगा वो, और ये कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, आप जेड की जगह क्या रखेंगे, टू प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, थ्री आयोटा, है ना, और साथ में क्या रहेगा प्लस में वन, अब इसका इमेज क्या बन रहा है फिर वैसे में, थ्री प्लस में थ्री आयोटा बन रहा है, थ्री प्लस में क्या बनेगा, थ्री आयोटा, सही बात है कि नहीं, मतलब वो जगह ऐसा नहीं होता कि यहाँ बनाया तो यही पे उतना ही दूरी पे बनेगा, वो कहीं पे भी बन सकता है भाई, वो इधर भी आ सकता है, ठीक है, मान लो यही मेरा जेड स्क्वायर होता तो अब देखिए कैसे बनेगा, जेड स्क्वायर होता तो अलग अलग फंक्शन अलग अलग जगह पे मैप करते हैं चीजों को, अगर जेड स्क्वायर होता तो मैं लिखता क्या इसको, टू प्लस में क्या, थ्री आयोटा सबकी होल स्क्वायर प्लस में क्या लिखता, वन, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा तो क्या आएगा, आप बोलेंगे टू का स्क्वायर आएगा सर, सबसे पहले टू का स्क्वायर हो जाएगा क्या, फोर, अब इसका स्क्वायर होगा सर तो क्या आएगा सर, माइनस में नाइन, प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, टू ए बी, तो टू तो है ए बी तो वही है, तो हो जाएगा टू टू फोर हो जाएगा, फिर आपका क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा फोर और ये सिक्स, ट्वेल्व बनेगा, समझ आया, तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको, ट्वेल्व आयोटा, क्या लिखेंगे, ट्वेल्व आयोटा प्लस में क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो देखना इसका इमेज, इस बेचारे का इमेज जो है कुछ अलग बनने वाला है, लिया कुछ था और बनेगा कुछ अलग मैपिंग के बाद, है ना, तो इसलिए हमें हमेशा दूसरा प्लेन की आवश्यकता होती है समझाने के लिए। तो आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस फाइव, माइनस फाइव पे और एक कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, है ना, या फिर सॉरी ये आपका जो था फाइव कर दीजिए माइनस फोर, सिंपल सी बात है, तो माइनस फोर और प्लस में क्या बेटा, ट्वेल्व आयोटा, लिया कहाँ पर था आप देखेंगे तो आपका जो विचार कर रहा है यहाँ पर टू सर, यहाँ पर क्या होना चाहिए थ्री, तो आपने यहाँ पर बिंदु को लिया था ऐसे कर, सोचने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन उसका इमेज बन रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर बन रहा है और माइनस में क्या फोर और जो है प्लस में ट्वेल्व, बहुत ऊपर में यहाँ पर कोई आसपास कोई नंबर बना होगा। देखो अलग अलग प्लेन की जरूरत पड़ती है, मतलब क्वाड्रेंट चेंज होती है तो क्वाड्रेंट को भी चेंज करके दिखाना पड़ता है ना, तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ट्रांसफर होती है, एक को हम लोग बोलते हैं क्या जेड प्लेन और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं डब्ल्यू प्लेन। तो ये बातें समझ आ रही है, जब हम लोग बेटा कन्फर्मल मैपिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पर और उसको समझाऊंगा, हम लोग उसको अनुकोण प्रतिचित्रण कहा करते थे, है ना, आप लोगों ने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन सुना होगा, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोगों ने किया है तो हम भी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन आपने जितना भी पढ़ा होगा आप उस चीज को क्या करेंगे, धैर्य पूर्वक जो है संभाल के रखना और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पर आप बढ़ चढ़ के प्रश्न पूछेंगे और समझेंगे कि जी सर हमें समझ आया, नहीं जब आएगा तो नहीं समझ आया ये प्यार से आप बताएंगे। बात क्लियर है बेटा, क्या आप लोगों ने विश्लेषिक फंक्शन का नाम सुना था, एनालिटिक फंक्शन, अब वहीं से हमारा जो है यूनिट स्टार्ट होगा, है ना, और जिसमें हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, एनालिटिक फंक्शन पर, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन को पहले डेफिनेशन लिखवाएंगे और उसमें सीआर इक्वेशन क्या होता है, सीआर इक्वेशन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, सीआर इक्वेशन जब पढ़ लेंगे बेटा सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट मेरे को कोई लगता है तो वो है कॉम्प्लेक्स आंसर्स, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और आपको जो है ध्यान से पढ़ते रहना है और मजा आता रहेगा। और आप सभी के पास तो वीडियो होगा, बार बार रिपीट करते रहेगा, किसी का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना होता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मेरे बाद आप होते हैं, आप समझना चाहेंगे तो समझेंगे, नहीं समझना चाहेंगे तो नहीं समझेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा घर में,
तो बेटा ये पूरा इंट्रोडक्शन थी आज की क्लास की।